बिसमिल्लाम तो जनाब एक और झटपट सी रेसिपी के साथ हाजिर है बनाने जा रहे हैं मिंट लेमोनेड बहुत ज़बरदस्त बनता है और आप चूँकि जानते हैं ईद आ रही है और बड़ी ईद पे बीफ खाने के बाद तो ज़रूर बनाएं और आपका खाना झटपट हज़म हो जाने वाला है और वैसे भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं गर्मियों के मौसम में यहाँ पर मैंने ले लिया बहुत सारी बर्फ़ एक छोटी बॉटल सेवन अप दो दीमू थोड़ा सा पुदीना चुटकी भर नमक और थोड़ा सा काला नमक और दो टेबल स्पून चीनी अब मैं जग में डाल रही हूँ सबसे पहले लीमू मैंने दो जो हैं अच्छे तरीके से बीट निकाल कर उनको इसके अंदर शामिल कर लिया है नचोड़ लिया है साथ ही डाल दिए हैं पुदीने के पत्ते चीनी नमक और काला नमक और बर्फ़ खूब सारी बर्फ़ आपने बहुत सारी डालनी है जितनी मैंने कूट के रखी है इस तमाम बर्फ़ को डालने के बाद ये तकरीबन ढाई ग्लास बन के बड़े वाले ढाई ग्लास और छोटे ग्लास हों तो तीन ग्लास बन जाएंगे ठीक है तो बर्फ़ आपने खूब सारी डालनी है क्योंकि ये थोड़ा सा स्लश टाइप का बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसको इसलिए चिल्ड होना चाहिए सही यहाँ पर डाले हैं दो से तीन घूट पानी के बॉटल देख के आपने ये नहीं समझना सेवन अप शामिल कर दिया सेवन अप बिल्कुल एंड पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर आप कोई और सोडा चाहें तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर लेकिन मैं सेवन अप डाल ठीक है जी बर्फ डालने के बाद इसको एक दफा अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे ताकि पुदीना जो है ना उसके पत्ते बिल्कुल आ, बाकी चीज़ों के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए क्योंकि बाकी चीज़ों को इतना ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है और बर्फ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्रश हो जाएगी सिर्फ इसीलिए ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है जो मिंट लीव्स होते हैं ना वो आपके स्टमिक के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं वो आपको कोई भी चीज़ डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं और रूटीन में भी आपको अपने ना पुदीने की चटनी पुदीने के पत्ते अगर वैसे भी आप ऐसे वॉश करें तीन चार पांच पुदीने के पत्ते खा लें बहुत अच्छी चीज़ होती है ठीक है जी बहुत अच्छे तरीके से ये तमाम चीज़ें होगी ब्लैंड ये आप देख रहे होंगे कि पुदीने के पत्ते कितने ज़बरदस्त से बीच में ब्लेंड हो गए हैं ना ग्रीन ग्रीन सा बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है इसका अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपनी सेवन अप जो मैंने रखी हुई थी छोटी बॉटल मैंने ली थी और मैंने पूरी बॉटल शामिल की समझ ली एक बड़ा वाला ग्लास मैंने डेके भी पर शामिल किया है सेवन अप का गिलास शामिल करने के बाद जो आप एक दफ़ा हल्का सा सिर्फ ब्लेंड देना है बाद ताकि तमाम चीज़ें एक दफ़ा आपस में यकजा हो जाएँ बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग की इसके बाद ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि आ, सोडा को डालना जो होता है ना बिल्कुल आखिरी स्टेप होता है बहुत ज़्यादा भी इसको, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि सोडा बहुत इस्तेमाल करने के फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ लेकिन कभी कभी या कोई चीज़ डाइजेस्ट करने के लिए या इंजॉयमेंट के लिए आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें बहुत ज़बरदस्त मतलब जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही ईजी होम मेड चीज़ों से बनी हुई क्विक रेसिपी है और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को लाइक कर लाइक करना वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना वीडियो बंद करने से पहले रेड बटन को लाजमी क्लिक करें बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे अल्लाह हाफिज